4 दिसंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने महज 3 दिन के विधानसभा सत्र की समय सीमा को लेकर भी आपत्ति जताई है। साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति का मसला भी कांग्रेस इस बार सदन में उठाएगी। गैरसैंण राजधानी के मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तमाम मुद्दे भी विपक्ष सदन में उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सरकार लोकायुक्त के मुद्दे पर मौन है, लिहाजा इस बार सदन में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठाएगा। उप नेता प्रतिपक्ष करण महारा ने कहा कि गैरसैंण राजधानी के मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो घोर आपत्तिजनक है, लिहाजा विपक्ष गैरसैंण राजधानी के मुद्दे को भी सदन में उठाएगी और सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की जाएगी। लोकायुक्त को ये नियुक्त नहीं करना चाहते हैं, हर रोज ये कह देते हैं कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, इसलिए लोकायुक्त कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि उसकी परिधि में मुख्यमंत्री भी आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और सबसे पहले दिन हमारा इसी को उठाने का इरादा है अन्य बातों के साथ साथ। अध्यक्ष जी जो बीजेपी के हैं उनका अक्सर यू टर्न रहता है, वैसे यू टर्न बीजेपी पूरी है और पहले वो मुद्दे को भटकाने के लिए करते रहे, कभी कहते रहे गैरसैंण होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, कभी ग्रीष्मकालीन होनी चाहिए, और ये वाला बयान तो उनकी जो नीति है, जो उनकी सोच है उसको स्पष्ट करता है कि वो चाहते नहीं कि गैरसैंण में राजधानी हो। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतुड़ की रिपोर्ट।